चार पॉइंट है, वॉइस टावर, पैंथर पॉइंट, इको ट्रेल, व्यू पॉइंट। चलते हैं अंदर थोड़ा भाई। जैसे ही अंदर आए ना, एकदम ठंडक का एहसास, सीधा जाने ऊपर जाने। गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ बांसवाड़ा और आज आपका भाई चलाएगा 4x8। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 31x28x4 और ये है अपना बिग साइज टिपर। तो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ कागदी पिकअप वेयर, तो आज इसे ड्राइव करूँगा और आगे जाके मैं ये ड्राइवर को दे दूँगा। तो आज इसका भी एक्सपीरियंस करके आपको बता देता हूँ। इसे चलाने के बाद फीलिंग आएगी हाथी पे बैठने वाली, तो आज इसका एक्सपीरियंस क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। शिट, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट नाउ। आवाज सुन रहे हो, जबरदस्त। टिपर चालू हो चुका है, आवाज पता नहीं आ रही होगी या नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का इतना साउंड है, इतना लाउड साउंड है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे चलाने में मजा आ रहा है। आगे जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो बिल्कुल छोटी छोटी लग रही है मेरे को। इसको चलाने का एक्सपीरियंस ही अलग है, बिल्कुल अलग। और इतना ऊंचा बैठा हूँ तो बिल्कुल भी डर नहीं है कि कोई मुझे ठोक देगा, कुछ भी डर नहीं है। चलाने में अपना ही अलग ही मजा है, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस, मजा आ रहा है। कोई नया बैठता है उसे तो ऐसा ही लगेगा पूरा रोड घेर के चल रहा है, मतलब साइड में साइड ही नहीं है। अभी फ्यूल स्टेशन आ चुका है, तो सबसे पहले करवा लेते हैं अपन फ्यूल। तो फ्यूल हो चुका अपना, तो फ्यूल अपना हुआ है टोटल मिला के 70 लीटर, 32% टैंक फुल हो चुकी है। टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 260 लीटर, जिसमें से अपन ने 32% करवाया, मतलब 70 लीटर के आसपास। अभी क्या है, सिटी के अंदर है, नो एंट्री, तो अपन बाईपास से होते हुए जाएंगे। तो ये है बांसवाड़ा का बाईपास, जहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ अलाउड है। अपन साइड पे पहुंचने ही वाले हैं और मुझे लेने के लिए वापस आए अपने दीपक भाई, तो वो भी अपना वेट कर रहे हैं और कॉल पे कॉल कर रहे हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं हम। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वॉइस बराबर नहीं आ रही होगी, साउंड बराबर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि गाड़ी की नॉइज इतनी है कि मेरा साउंड क्लियर से आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, वो सामने खड़ी है 4x2 और यह है 4x8। तो चलिए अब चलते हैं, गाड़ी को छोड़ दिया है यहाँ पे और ड्राइवर को सौंप दिया है, और यहाँ पे मुझे लेने के लिए आया, जैसा कि मैंने बताया था, मेरा ब्रो दीपक, टाइम से पहले ही पहुँच जाता है कहीं भी बुलाओ। और चारों तरफ देखो, जंगल, मस्त ग्रीनरी है, शानदार नज़ारे। गाड़ी में मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था, उसका रीज़न यह था कि
कि वॉइस जो है साउंड गाड़ी के इंजन का ज्यादा आ रहा था, तो मेरी वॉइस आप तक न पहुंच पाए उसी वजह से मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा था। अल्टीमेट जगह है, बहुत ही घनघोर जंगल और ग्रीनरी, तो देखो बारिश के मौसम में बांसवाड़ा की खूबसूरती। और कल मेरा जाने का प्लान है वहाँ ऊपर, संडे का दिन है, समय माता, जूम करके बताता हूँ। उस पहाड़ी पे जाने का मानस है मेरा। तो अभी हम घर पे जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भाई कह रहा है यहाँ जंगल के थोड़े व्यू एंजॉय कर लेते हैं। तो ये है पैंथर पॉइंट वॉच टावर। तो ये जंगल के अंदर जाने का रास्ता है, कहाँ तक जाता नहीं पता है, बट ये घनघोर जंगल है, हम अंदर जा रहे हैं। चार पॉइंट है वॉच टावर, पैंथर पॉइंट, इको ट्रेल, व्यू पॉइंट। चलते हैं अंदर, थोड़ा जंगल है, क्या जंगल है बॉस। अगर मेरे को पैंथर दिख गया ना, मैं तो तुरंत भाग जाऊंगा, दीपक रह जाएगा, दीपक का नाश्ता पैंथर करेगा। वैसे हमारा दीपक है वो पैंथर से कम नहीं है भाई। जैसे ही अंदर आए ना, एकदम ठंडक का एहसास, सीधा जान दे ऊपर, जान दे, अरे जान दे ब्रो यार, रोड जाने का ही होगा। घनघोर जंगल यार, वास्तव में इतना डेंजर जंगल है, पूछो मत। फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर लेके ही अंदर जाएंगे, ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ है यहाँ पे कैंपिंग करने लायक जगह है, और बहुत ही अंदर आ चुके हैं हम थोड़ा, और ज़्यादा अंदर जाना नहीं चाहते, क्योंकि हम हैं यार स्कूटी पे। अगर फोर व्हीलर होती तो हम अंदर चले जाते, क्योंकि मैं जब आया था यहाँ पे प्रेशर प्लांट पे, तो इस जंगल में मैंने पैंथर खुद ने देखा है डंपर के अंदर से, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, रिस्क नहीं लेंगे। बाकी अंदर जो हवा आ रही है एकदम ठंडक, चिल, मज़ा आ रहा है सच्ची। ये मैं सोच के नहीं आया था कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन अच्छा लगा अंदर आके। कार लेके हम आएंगे और ठेठ अंदर तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि पैंथर पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, यहाँ दो चार पॉइंट है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, गेट खुला हुआ है, तो तभी कार लेके हम आएंगे। तो ये जो जगह है उसको बोलते हैं चार नंबर, और आगे है पाँच नंबर। पाँच नंबर पर बिजली बनती है बांसवाड़ा की सारी, जो माही रिवर से पानी आता उससे डायनेमो घूमता है और बिजली बनती है। तो ये है चार नंबर, वो सामने गेट है, उसमें सीधा हम घुसे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा, और मैं भी देखने का इच्छुक हूँ, लेकिन अभी रिस्क इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास थी स्कूटी, और हम कार लेके आएंगे तो बिल्कुल अंदर जाएंगे, और 100%। मैं भी पहली बार गया था अंदर, भाई दीपक ने ही कहा कि चलो अंदर तक घूम के आते हैं। तो ये है रतलाम रोड पे, तो चलिए अब चलते हैं सीधा घर पे, बाकी के नज़ारे नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, और धीरे धीरे चलते हैं रास्ते देखते हुए, मतलब खूबसूरत रास्ते देखते हुए घर पे चलते हैं। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सिटी के अंदर, और कल संडे, तो कल संडे का प्लान बन रहा है कहीं जाए, और कहाँ जाएंगे तो वो आपको स्टोरी के थ्रू पता चल जाएगा। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, साइड में आईडी मेंशन है। कि बांसवाड़ा में घूमने का आनंद तो सिर्फ बारिश में, बारिश में घूमने का आनंद ही अलग है, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, इतनी हरियाली हो जाती है, मतलब आपको फीलिंग आएगी मनाली कश्मीर जैसी बांसवाड़ा में।
फाइनली पहुंच चुके हैं अपन अपने घर पे। चलो थैंक यू सो मच। क्या कर रही है नन्नू? नन्नू वगैरह भी स्कूल से आ चुके हैं। केल भी, क्या हुआ, बुखार तो नहीं आज? हैं? नहीं। स्कूल का नाम लेते ही बुखार चढ़ जाता है, खेलने का नाम लेते हैं तो बुखार नहीं चढ़ता है, खेल की बात ही अलग है। हैं नन्नू? चलो भाई मेरे को खाना दे दो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद खाना खा के, अभी खाना खा लेता हूँ। तो खाना वगैरह अपन ने खा लिया था और खाना खा के अपन फिर से एक बार बांसवाड़ा गए, क्योंकि गैल और उसकी मोम को जाना था उसके मामा के घर, तो उनको छोड़ने के लिए गया। आज वो नाइट वहीं रहेंगे और आज मैं और युक्ति घर पे अकेले हैं और अभी हो चुकी है रात और खाना वगैरह भी फिर रात का खाना है, तो अभी भूख कम ही है क्योंकि अपन ने खाना लेट ही खाया था। तो नन्नू की फरमाइश हुई है कि पापा एक काम करो, ईजी रहेगा, मैगी बना दो। तो अभी अपन यहाँ पर ले आए हैं मैगी का पैकेट, तो अभी आज की जो कुकिंग है वो अपन करेंगे। और यहाँ पे चल रही है नन्नू की पढ़ाई, तो नन्नू पढ़ रही है और वंशिका दोनों साथ में हम पेंटिंग कर रहे हैं। कलर्स ब्यूटीफुल। तो चलिए शुरू करते हैं मैगी से। मैगी मसाला हमारे दो टमाटर, दो मिर्च, हमारी सूफी मैगी रेडी हो चुकी है, गैस को कर देते बंद। तो चलिए थालियां यहाँ लग चुकी है, थाली में जल्दी ठंडी हो जाएगी सूफी सूफी मैगी, सूप वाली मैगी। यस नन्नू ट्राई करके बताओ, सही सही बताना। सही में अच्छी है। चिया खाया तो? अरे अरे सबर करो, रुको जरा। वंशिका को जल गरम है, गरम गरम ही है। वैसे क्या है, हमारी चिया को मैगी का नाम होना चाहिए, उसको कैसी भी मैगी हो बढ़िया ही लगेगी। अभी असली रिव्यू तो अपन देंगे। सच में अच्छी बनी है, मेरे हाथ से बनी इसलिए नहीं, वास्तव में सच में अच्छी बनी है, अल्टीमेट फ्लेवर। तो लो जी फाइनली मैगी सपाचट हो चुकी है, खाली चिया की इतनी बाकी है, फटाफट फिनिश हो जाएगी, एक्सपर्ट है चिया। तो लो जी खाना वगैरह हो चुका है, मैगी सपाचट हो चुकी है और अब ब्लॉग एंड करने का भी समय हो चुका है क्योंकि ब्लॉग बड़ा लंबा बन चुका है और अभी हो चुकी है रात। तो हमने कर लिया सोने की तैयारी और यहाँ पे अभी भी कुछ तो बाकी है। क्या बाकी है? रोटी और चिप्स अभी बाकी रह गए ये। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तीन चीजें देखने को मिली, एक तो डंपर ड्राइविंग, जंगल सफारी, बांसवाड़ा की सफारी और कुकिंग, तो तीनों चीजें आज देखने को मिली अपने ब्लॉग में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, मतलब अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम एंड बूम।